देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखें वैशाली जिला की खबरें। वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में मियां बेरो पंचायत में जन वितरण प्रणाली छबिला पंडित के यहां कालाबाजारी का सूचना ग्रामीण जनता से मिली और जनता उग्र होकर हंगामा भी किया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यह दूसरे दुकानदार से कई बोरा गेहूं चावल बेच चुकी है। यह घटना तब सामने आया जब हम लोग पहुंचे जो राशन डिपार्टमेंट के हैं। एमओ मनोज कुमार के साथ भगवानपुर थाना अध्यक्ष सीबी शुक्ला और सभी पब्लिक से पता चला कि दो तरह के वैरायटी के चावल के लेकर यह हंगामा हुआ। कहीं 15 बोरा अरवा चावल और 15 बोरा उसना चावल है, इसी में लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यही लेकर मामला विवाद में आया और मैसेज फ्लो हुआ कि यहां पर कालाबाजारी हो रही है। हालांकि सवेरे 4 बोरा यानी कि 2 क्विंटल वहां से भगवानपुर थाना जब्त भी किया गेहूं चावल। जब वहां पर राशन फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ तो काफी संख्या में लोगों का भीड़ हो गई। पुलिस को काफी मशक्कत पड़ी। लॉकडाउन में जिस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण है, पुलिस को नियंत्रण करना पड़ा और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। लोगों को बार बार कहना पड़ा कि 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, लेकिन जिस तरह वहां पर भीड़ था, हमें आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जब भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें और बारी बारी से राशन लें। भगवानपुर से मोहम्मद नदीम रब्बानी के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट। मतलब 4 लम्बर 5 लम्बर वाट के और 6 लम्बर वाट के उसना चावल मिला और 4 लम्बर वाट के मतलब अरवा चावल मिल रहा है। सब अनुसूचित जाति है, जो भी जनता है यहाँ का, जो भी जनता है मतलब इसके अंदर जो भी आता है उसको सिस्टम ढंग से कभी नहीं बांटता। सिस्टम में क्या होना चाहिए इस बार तुम इस बार कैसे बांट कैसे बांट ले पहले 5 नंबर बांटे हैं 26 सर सब बट गया वार्ड वाइज बांटे हो जी सर 5 नंबर वार्ड बांटे हैं 6 नंबर का सर कल हम बांट दिए इनका घर 6 नंबर का कल बांट दिए ठीक है आज सर 4 नंबर का शुरू किए थे इसमें दिक्कत आज काले बिल्ली बवाल हम थोड़ा सा पूछना चाहिए कि हमको उसना चाहिए सर उसना ना काले ही हो रही है बवाल बस ये बात रहे उसना के लिए कुछ बात ना रहे कोई सिर्फ उसना के लिए विवाद हुआ है सिर्फ उसना चावल के लिए और कुछ नहीं कोई विवाद इतना लोग आ गया उसना के लिए थोड़ा डिस्टेंस हो तनी दूरी बना के सब बोल रहा है नहीं निकलेगा उसना बहुत कम है ठीक है उसना या अरबा सब लोगों को लेना है भाई सुन लीजिए जितना भी जनता जनार्दन है सभी को जो होगा उसना या अरबा सभी लोगों को लेना है ठीक है क्योंकि सरकार की ओर से जो कुछ भी आएगा सब आप ही के लिए है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है थाना प्रभारी सर है एमओ सर है हम है मुखिया जी है सब बात हुआ है कैसे कि 3 झोंक उसना चावल बटाया है तो आप लोग के मिला उसना 4 नंबर में खाली श्री परवा इनको सुनिए या 5 क्विंटल के करीब ये अनाज बेचा जा रहा है या कालाबाजारी की जा रही है आपने जांच में क्या पाया? सबसे पहले कि कालाबाजारी तब साबित होता है जो भी थाना में जो सीज करके रखा गया है उसको जांच किया गया। प्रथम जांच था वो कालाबाजारी का चावल नहीं। कालाबाजारी होने के लिए जरूरी है कि मशीन सिलाई हो और सरकारी टैग लगा हुआ है, लेकिन वो जो बोरा है ना तो मशीन सिलाई है ना सरकारी टैग लगा हुआ है, वो हाथ से सिला हुआ बोरा है। सबसे प्रतीत होता है वो कालाबाजारी का राशन। दूसरी बात कि यहाँ पे आने के बाद बताया गया कि अरवा चावल और उसना चावल का इशू था। इसमें होता क्या है कि जैसे ही गोदाम से जो भी चावल मिले उनको डीलर वही चावल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चावल इनको अरवा और उसना दोनों मिला था, दोनों मिला करके ये बांट रहे हैं।